The paragraph lies last point है आपके बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी, प्रतिभूतियों की वापस खरीद करना, सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद करना वापस। तो सबसे पहले अर्थ क्या है आपको, सबसे पहले आपके कंपनी अधिनियम धारा 2013 की धारा 68 के अनुसार कंपनी को अपने अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को वापसी खरीद या क्रय करने की अनुमति होती है। अपने अंशों वापस खरीद सकते पुनः खरीद अंशों को या प्रतिभूतियों को। कौन सी है आपकी धारा होगी, आपकी कौन सी सेक्शन हो जाएगा आपके 68 के अनुसार, इसके अनुसार वापस खरीद सकती है, उनको अधिकार है वापस खरीद सकते हैं। कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों को वापस खरीदने के अधिकार के संबंध में संबंधित प्रावधान है, अधिकार के संबंध में प्रावधान देगा अलग अलग, क्या कब होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहला है आपके कि अधिकार है, पहला अधिकार है कि आपको अगर पुनः खरीदना है तो खरीदने के लिए पहले तो आपको कैसे व्यवस्था करनी पड़ेगी, और व्यवस्था कहाँ से करेंगे तो नंबर एक है साधन। साधन के लिए आपकी धारा लगती है उपधारा है, यानी कि उपधारा है मतलब सब सेक्शन है, आप सब सेक्शन कहते हो उसे उपधारा। कौन सी है धारा नंबर 2, इसके अनुसार आप कहां से खरीद सकते हो, साधन दे रखे हैं आपके अपने स्वतंत्र कोष से। एक तो कहते हैं आपके स्वतंत्र कोष, एक तो आएगा आपके स्वतंत्र कोष से कर सकते हो, यानी कि आप दिया हुआ आएगा ये सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो, और प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि से कर सकते हो, प्रोसीड इनकम प्रोसीड होती है उससे कर सकते हो आप। अंशों या निर्दिष्ट प्रतिभूति से प्राप्त राशि, जैसे मतलब आपने इश्यू किया शेयर को जिससे आपको पैसे मिले, वो वाला इश्यू करते हैं शेयर को इक्विटी कैपिटल, पहली एंट्री बैंक अकाउंट या डेबिट एप्लीकेशन, या आप रिटर्न शेयर से भी कर सकते हो आप, वहां से जो इनकम मिलेगी आपको उससे भी कर सकते हो, और सिक्योरिटी उनसे करोगे और स्वतंत्र कोष से कर सकते हो। ये साधन है कहाँ से क्या करना है आपको। अब आप कहाँ से करें नहीं कर सकते ये जो आप या किस कारण नहीं कर सकते तो उसके लिए दे रखा है आपके वापसी खरीद अंतर नियमों के अंतर्गत है। ये इसमें क्या आते हैं आपके अंतर नियम आते हैं, रूल्स नियम्स आते हैं। एक तो इसमें क्या है आपके अंतर नियम है, इस पर आपको समझ आती है, वो नियमों का पालन करना पड़ता है, नहीं करोगे तो फिर आप नहीं खरीद पाओगे, अंतर नियमों का पालन करना पड़ता है। कंपनी साधन सभा में विशेष प्रस्ताव पास करके खरीद कर अधिकार प्राप्त न कर लिया गया है, आपको सार्वजनिक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। अगर आपने अंतर नियमों का ध्यान नहीं रखा तो भी नहीं खरीद सकते, आपने प्रस्ताव पास करना जरूरी है। अगर प्रस्ताव आपने पास नहीं किया है तो फिर आप क्रय नहीं कर सकते, मतलब मीटिंग बुलानी पड़ती है, प्रस्ताव बनाना पड़ता है, प्रस्ताव पर साइन होने करते हैं और साथ में प्रस्ताव जारी करते हैं कि हम ये शेयर वापस खरीदेंगे, क्योंकि प्रस्ताव क्या होता है किसी की अनुमति नहीं है या किसी की सहमति नहीं है तो नहीं खरीद पाएंगे, सबकी सहमति से मीटिंग बुलाकर प्रस्ताव पास किया जाता है और उस प्रस्ताव के आधार पर वापस खरीद लें। अगर प्रस्ताव पास नहीं ऐसे खरीद लेंगे तो कुछ नाराज हो जाएंगे, तो उसके सबकी सहमति जरूरी है। इसके अलावा आपके इसने कहा है वापसी खरीद कंपनी को पूर्ण समतांश और मुक्त संचय के 10% या उससे कम हो, समतांश पूंजी और मुक्त संचय के 10% कम होनी चाहिए, और ऐसी वापसी खरीद संचालकों द्वारा आशय से इस आशय से है कि उनकी सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा अधिकृत होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए। फिर है वापसी खरीद कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी मुक्त संचय के 25% या उससे कम होने चाहिए। ये जो खरीद है वो कितनी होनी चाहिए आपके इक्विटी शेयर, कौन सी पेडअप होनी चाहिए, पेडअप कैपिटल मतलब जितनी हम मांग चुके हैं, जितनी जनता ने खरीद ली वो वाली पेडअप कैपिटल का 25% से क्या होना चाहिए आपके कम होना चाहिए। मतलब जो भी खरीद लो आप, जितने अंश खरीदने हैं 25% से कम खरीदो, ज्यादा नहीं खरीद सकते। वापसी खरीद के बाद देय सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों का योग प्रदत्त पूंजी और मुक्त संचय के 2 गुने के बराबर नहीं हो, मतलब कि आपके अनुपात एक तो है आपके सिक्योर और अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और साथ में एक अनुपात दे रखा है आपके किसका मतलब इक्विटी मतलब के आपके शेयर कैपिटल और रिजर्व का, इन दोनों का अनुपात आपके 2:1 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा खरीद ली, जितनी ज्यादा खरीदोगे शेयर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। रेशो इतना नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आप कैपिटल दे रखी है 1 लाख दे रखी है और आपके डिवेंचर दे रखे हैं, आपके कितने दे रखे हैं, मान लो कि आपके 1,50,000 दे रखे हैं, तो आप कितना कर सकते हो उसमें 25 कर सकते हो, 25 भी नहीं कर सकते। अगर आप 25 भी आपने इश्यू कर दिया, आपने इश्यू करते तो बढ़ती इनकम और खरीदते तो घटती उल्टा, क्योंकि खरीदते समय पैसे जाते हैं। और यहाँ पर आपके डीएसएस खरीदना औसतन नहीं जैसे ही है, तो आप जैसे यहाँ पर 75 हो जाएगा तो अनुपात क्या हो जाएगा आपके 2:1 हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप कम से कम 24, 24,000, 23,000, 25 नहीं होना चाहिए, 25 से कम अनुपात, ये अनुपात नहीं होना चाहिए। मतलब ये सब फ्रॉड है। अंतर नियमों का पालन नहीं करोगे तो क्रय नहीं कर सकते, प्रस्ताव पास नहीं करोगे तो भी नहीं होगा, पेड कैपिटल 25% से कम हो जाए ज्यादा हो गई तो भी नहीं कर सकते, अगर ये अनुपात आपके 2:1 हो गया तो भी नहीं कर पाओगे। वापसी खरीद वाले सभी अंश या अनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां पूर्ण प्रदत्त हो। और साथ में अगला वाला जो पॉइंट ये हो गया आपके तो प्रदत्त फंड हो गया। 5वां क्या है आपके फुल्ली पेड अप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट कॉल में तो मांगी नहीं है और आप वापस खरीदते तो भी नहीं कर सकते, फुली पेडअप नहीं होना चाहिए। अगला है आपके किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय सूचीबद्ध अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूति वापसी सेबी द्वारा नियमों के अनुसार की गई हो, और सेबी के नियमों के अनुसार करना। बीओ में है आपके सेबी का पूरा पार्ट, वहां से सेबी है आपके स्टॉक एक्सचेंज, क्या बोर्ड क्या है, बोर्ड ऑफ इंडिया, पूरा नाम पूछते हैं एक नंबर छोटा देते, यानी कि आपके क्या दे रखा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वाला। तो यानी कि इसके दिशा, इसके निर्देश यानी दिशा निर्देश के अनुसार होना चाहिए, दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। अगर इनके ध्यान रखते हुए नहीं है तो आप खरीद भी नहीं सकते। फिर है आपके उपधारा 2 के वाक्यांश के अंतर्गत पारित किए गए प्रस्ताव की सूचना नोटिस देकर व्याख्यात्मक विवरण, और आपको नोटिस भी देना चाहिए इस चीज का, खरीदने का क्या देना चाहिए आपको नोटिस, सबको होना चाहिए, नोटिस देना जरूरी है। बिना नोटिस भी आप ये सब इतने सारे काम करोगे तो ही आप खरीद सकते हैं, और अगर इनमें से अगर एक भी काम नहीं किया आपने तो आप नहीं खरीद सकते। ये सारे काम होंगे। अंतर नियमों का ध्यान रखना, प्रस्ताव पास करवाना जरूरी है, नहीं करवाओगे तो आप नहीं खरीद सकते। फिर आपको कितने शेयर है, पेड कैपिटल है, उसका 25% से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं खरीद सकते आप। फिर खरीदते समय ध्यान रखना है जैसे खरीदोगे तो यहाँ जो रेशो है इक्विटी शेयर का और डिवेंचर का 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए, 2:1 नहीं होना चाहिए। जहाँ जितने दे रखे हैं आप जैसे 75 हुआ रेशो हो जाएगा आपके 1:2 का, ऐसा अनुपात नहीं होना चाहिए। उसको भी आपको ध्यान रखना है। मतलब कोई जरूरी नहीं है जैसे या कह दिया कि सर यहाँ तो क्या हुआ 25 से कम होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ शेयर कितना आ जाए आप 80,000 ही हो, अब 25 वाला रूल लगाओगे तो 20,000 होते हैं, लेकिन 20 अगर घटा देंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 60, अनुपात 2 से 4 चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे केवल 4,000 या 4,500 नहीं खरीद सकते, ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो इसका भी अनुपात का भी ध्यान रखना है, अनुपात का भी ध्यान रखना है, 25% का भी ध्यान रखना है। मैक्सिमम 25% है मैक्सिमम लास्ट। अब यहाँ ऐसे आ जाए कि यहाँ आपके 5 लाख है और ये 1.5 लाख है, तो मैक्सिमम 25% ज्यादा नहीं जाता, मतलब इसका होता है आपके 1,25,000 लास्ट। 1,25 कम करेंगे हो जाए 3,75। अब अनुपात ऐसे भी चेंज होने वाला नहीं है, हाईएस्ट है 25%, 25 से लगाकर 0 के बीच में आप खरीद सकते हैं। फिर आपके फुली पेडअप होने चाहिए शेयर, लास्ट कॉल नहीं मांगी, लास्ट कॉल पहले मांगो फिर आप वापस खरीद सकते हो। फिर सेबी के दिशा निर्देशों का ध्यान रखना है, जो जो दिशा निर्देश दिए हुए इनके खुद के पास होते हैं, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं। दिशा निर्देश क्या है, बीओ का पॉइंट है, तो वहां से आप लिख सकते हो, बीओ में काम आएगा सेबी के दिशा निर्देश क्या है। फिर नोटिस देना पड़ता है, फिर जो खरीद रहे हैं उसका नोटिस भी जारी करना पड़ता है। फिर आप ये तो हो गया किससे खरीद सकते हो, दूसरा पॉइंट हो गया कि क्यों नहीं खरीद सकते, क्या क्या कारण। ये सभी नियम अगर आपके सही से काम में लिए हैं तो आप खरीद सकते हो, वरना नहीं खरीद सकते। फिर प्रस्ताव की सूचना, आपको धारा उपधारा 2 के वाक्यांश B के अंदर पारित विशेष प्रस्ताव के 1 वर्ष के अंदर प्रत्येक भाव से खरीद को पूर्ण कर लिया जाएगा, मतलब कि आप उसे प्रस्ताव जारी करना पड़ेगा। हाँ, ये ऊपर है पॉइंट 30 नंबर पॉइंट। इसमें देर का उपधारा 2 के वाक्यांश बी के अंतर्गत पारित किए गए प्रस्ताव की सूचना के साथ व्याख्यात्मक विवरण दिया जाएगा। इसमें देखो इस प्रस्ताव की सूचना में आपके कुछ पॉइंट्स है, वो आपके क्या कह रहे हो। पहला पॉइंट है आपके महत्व यानी के तथ्यों का प्रकटीकरण, पूर्ण प्रकटीकरण होना चाहिए। जो भी सूचना जारी करते हैं कंप्लीट पूर्ण प्रकटीकरण, मतलब कि देखते समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसी लाइन लिखी है, ऐसी लैंग्वेज में लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए ताकि आम जनता भी समझ सके। दूसरा है भाव से खरीद की आवश्यकता। आवश्यकता क्यों है, ऐसी क्या जरूरत है कि आप खरीदने पड़ रहे हैं। आप सूचना में लिखना प्रस्ताव जो हम सूचना पास करते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं, उसमें क्या क्या नियम होने चाहिए, ये तो पूर्ण प्रकटीकरण कंप्लीट एक बार में समझ में आ जाए। दूसरा है आपकी आवश्यकता, क्यों आवश्यकता है, आप क्यों खरीदना चाहते हो, वो अंदर लिखना सूचना के अंदर। प्रस्ताव जो पास करते हैं तो सारी चीजें इस प्रस्ताव में होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए इस प्रस्ताव में, आपके खरीद का विचार है वह किस श्रेणी के है, जो आप खरीद रहे हो उसकी श्रेणी में लिखो आप अंदर कंप्लीट कि इस श्रेणी के हम खरीदना चाहते हैं, जिस श्रेणी के है उसका कंप्लीट प्रस्ताव के अंदर सूचना होनी चाहिए। और इसमें आपके है वार्षिक खरीद के अंतर्गत विनियोग की जाने वाली राशि, आप कितना विनियोग करोगे, इन्वेस्टमेंट राशि कितनी, आप कितने रुपए खरीदना चाहते हो, अमाउंट उसके अंदर होना चाहिए। फिर है आपके पूर्ण रूप क्या नाम पूर्ण करने की समय सीमा, वार्षिक खरीद की समय सीमा होनी चाहिए कि कितने समय में आप इन्हें खरीद लो, टाइम कि हम 2 महीने में अंदर खरीद लेंगे या 3 महीने में खरीद लेंगे या 1 साल में खरीद लेंगे, वो टाइम इसके अंदर होना चाहिए। इस प्रस्ताव में सारी चीज होगी तो वह प्रस्ताव क्या होगा, आपके पास होगा। फिर इसके बाद अन्य चीजें भी है तो प्रस्ताव क्या, अब विशेष प्रस्ताव क्या है, विशेष प्रस्ताव में है 1 वर्ष के अंदर प्रत्येक भाव से खरीद को पूर्ण कर लिया। देखो सिंपल समय, अगर सिंपल प्रस्ताव है तो फिर टाइम अपने हिसाब से आप निर्धारण कर सकते हो, 3 महीने, 5 महीने, 2 साल निर्धारण कर लो। विशेष प्रस्ताव है तो आपको उसको 1 वर्ष के अंदर अंदर पूरा करना पड़ेगा। तो प्रस्ताव को पास करना है, यानी पास भी करना है और खरीदने भी, दोनों चीज 1 साल के अंदर अंदर करना है। स्रोत साधन क्या क्या है, देखो इसमें साधन देने का मतलब कि वापसी खरीद के साधन क्या क्या है। पहला साधन तो है आपके अंशधारण प्रतिकूल के अनुपातिक आधार पर, एक तो है खुले बाजार में क्रय करना, एक तो है आपके अनुपातिक। एक है खुले बाजार में क्रय द्वारा, और तीसरा है आपके स्टॉक स्कीम से, स्कीम आती है, स्कीम के आधार पर खरीद सकते हो आप। और यही है, 2 ही है, क्यों स्कीम नहीं, स्कीम तो यहाँ पर है, 2 ही है अनुपातिक और खुले बाजार से क्रय। एक तो आप खुले बाजार क्रय कर सकते हो, 4 है पॉइंट, 3 है, सही है 3 स्टॉक स्कीम। ये तो अनुपातिक है, अनुपातिक मतलब कि इसने कहा है विद्यमान अंशधारियों या प्रतिभूतियों से अनुपातिक आधार पर खरीद सकते हो, या तो अंशधारी का अनुपात और प्रतिभूतियों का, दोनों अंशधारी और प्रतिभूतिधारी दोनों के अनुपात से हम खरीद सकते हैं। फिर है आपके खुले बाजार से भी खरीद सकते हो और स्टॉक एक्सचेंज स्कीम से खरीद सकते हो। फिर घोषणा फाइल भी होनी चाहिए आपके पास, वो क्या है, इसने कहा है कि वापसी खरीद का विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और अपने रजिस्ट्रार तथा सेबी के पास शोधन क्षमता की घोषणा फाइल करेगी, और घोषणा भी फाइल करेगी। शोध के अंदर ही है सारा, ये शोध आया इसके अंदर, विशेष प्रस्ताव इसके अंदर होता है आपके, विशेष प्रस्ताव इसी के अंदर है। ये नया पॉइंट विशेष प्रस्ताव है जो आपको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आपसे यानी कि कंपनी से यानी क्या सेबी से करवाना पड़ता है, सेबी से लेना पड़ता है प्रस्ताव। फिर है घोषणा करनी पड़ती, फिर है आपके नष्ट करना, नष्ट कब करोगे, नष्ट के लिए दे रखा है कि जब एक कंपनी अपनी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद करती है और वापसी खरीद पूर्ण होने के अंतिम तिथि के 7 दिन के भीतर ऐसी वापसी खरीद द्वारा प्रतिभूतियों को भौतिक रूप नष्ट कर सकती है। मतलब के खरीद पूर्ण होने के अंतिम तिथि के 7 दिन बाद यानी कि लास्ट डेट, खरीदने की जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट से 7 दिन पहले आप चाहो तो खरीदते वक्त रद्द कर सकते, पूरा कंप्लीट नष्ट कर सकते हो। रद्द करना आता है आपके क्या नाम डिवेंचर में है, खरीदना और रद्द क्या करना, उसका नष्ट करना, पुनः खरीदना और नष्ट करना, खरीदना वापस खरीदना, दो चीज होती है। जब भी हम शेयर खरीदते हैं वापस दो चीज या तो कर देंगे नष्ट या क्या कर देंगे उसको वापस भेज देंगे। तो रद्द करने के लिए टाइम दे रखा होता है, लास्ट डेट 7 दिन पहले आपको क्या करना, उसको नष्ट करना। फिर है निर्गमन। तो निर्गमन क्या कर सकते हो, 6 माह तक निर्गमन नहीं किया जो भी खरीदते हैं, खरीदने के बाद एक तो है पहला काम कि 6 महीने से पहले 6 माह तक आप इसे इश्यू नहीं कर सकते। पहला काम तो इश्यू कर नहीं सकते 6 महीने से। हमने भी खरीदे हैं तो 6 महीने का गैप होना चाहिए। जैसे गैप पूरा हुआ, अब गैप होने के बाद अंश करने के लिए क्या करेंगे, देखो बोनस अंशों का निर्गमन कर सकते हैं, बोनस शेयर का निर्गमन। फिर है आपके निर्वादायित्व डिस्चार्ज ऑफ सब्सिडी यानी वारंटों का परिवर्तन स्टॉक विकल्प या श्वेत इक्विटेंस योजना यानी कि श्वेत इक्विटेंस भी कर सकते हैं, इनका इश्यू कर सकते, इनसे इश्यू कर सकते हैं, इनको कर सकते इश्यू, और साथ में परिवर्तन भी करा सकते हैं। परिवर्तन मतलब कन्वर्ट, मतलब ये लेना कौन सी जो भी हम शेयर खरीदे हैं उसके बदले इक्विटी शेयर में चेंज करवा सकते हैं, जो हमने खरीदे हैं उसको चेंज कर लो इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में। फिर है आपके रजिस्टर में ना आपके रजिस्टर में क्या क्या लिखा होता है, हमने कब खरीदा है, रजिस्टर होता है जिसमें सब लिखना पड़ता है कि कब खरीदा, कब रद्द करेंगे, सबकी तारीख डेट वाइज। इसमें देखो आपके कितना आपने प्रतिफल चुकाया, कितना आपने रिम्यूनरेशन पेड किया, तारीख डेट होनी चाहिए, डेट कब खरीदा कब वापस बेचेंगे उसकी तारीख होनी चाहिए, और साथ में भौतिक नष्ट करने की तारीख, मतलब नष्ट करने की जो तारीख है वो डेट भी होनी चाहिए आपको, कब खरीदेंगे और नष्ट कब करेंगे ये भी तारीख होनी चाहिए, और अन्य जो भी सूचनाएं हैं वो इसके अंदर आपके होनी चाहिए रजिस्टर के अंदर। फिर है विवरणी। विवरणी है आपके वापसी खरीद पूर्ण होने के 30 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार और सेबी के पास विवरणी फाइल करेगी। 30 दिन के भीतर खरीद के पूर्ण होने के 30 दिन के भीतर पूर्ण खरीद कंप्लीट, पूर्ण खरीद के 30 दिन के भीतर भेजना सेबी के पास एक फाइल भेजती, विवरणी भेजती कंपनी 30 दिन के भीतर, जिसके अंदर सबको लिखा होता है आपके सूचीबद्ध, गैर सूचीबद्ध, कौन सूचीबद्ध है कौन सूचीबद्ध नहीं है, सारे शेयर आपको वहां भेजने हैं, उनको भेजना है 30 दिन के भीतर भेजने, विवरणी भेजनी। फिर है यदि कोई फाइल इस धारा के प्रावधानों के पालन में चूक करती है, मतलब प्रावधान की अवहेलना करती है, तो देखो जुर्माना लिखा हुआ है, तो देखो जुर्माना क्या क्या दे रखा है सेबी द्वारा, तो जुर्माना है। पहला है आपके कंपनी कम से कम 1 लाख अधिकतम 3 लाख की जुर्माने की सजा है, 1 लाख से लगाकर 1 लाख से कितना 3 लाख, 1 लाख से 3 लाख तक का जुर्माना अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो ये जुर्माना। और क्या जुर्माना है इसमें, कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को, जो अधिकारी का दोषी है तो 3 साल की जेल या जुर्माना, 1 लाख से कम नहीं होगा परंतु 3 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। देखो अगर ये तो है आपके किसके लिए है जुर्माना, ये जुर्माना है कंपनी पर, ये जुर्माना किसका है आपके, ये तो है आपके कंपनी का जुर्माना है, कंपनी कितना भुगतान करेगी। अब कंपनी के अंदर जो कर्मचारी है वो कितना, कंपनी तो केवल पैसे दे सकती है, अब सजा किसको भुगतनी है, कर्मचारियों को, और जो कर्मचारी है उसके लिए क्या है, उसके लिए आपके एक तो है 3 साल की सजा या फिर आपके वही 1 लाख से लगा कितना 3 लाख का जुर्माना, 1 लाख जुर्माना है तो 3 लाख तक बढ़ा सकती है, 1 से 3 लाख तक जुर्माना है और 3 साल सजा है। और कंपनी को 1 लाख 3 लाख तक जुर्माना, जो जुर्माना यहाँ है वही प्रत्येक कर्मचारी को, हर एक कर्मचारी जिसने भी गलती की है खरीदने में तो वो जुर्माना। अगर या फिर जो भी आपके दिशा निर्देश दिए गए हैं सेबी द्वारा उनका अवहेलना करती है तो जुर्माना लगेगा इतना। ये छोड़ी के लिए बीओ में भी ये पूरा पूरा सेबी वाला कंप्लीट। अब अगला है आपके सीआरआर निश्चित राशि का हस्तांतरण करना, मतलब पैसे भेजना, ट्रांसफर करना सीआरआर। इसमें दावा रहती है आपके गुणसूत्र, गुणसूत्र में दो है, गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 2। गुणसूत्र 1 में क्या है आपके, जब एक कंपनी मुक्त संचयों या प्रतिभूति प्रीमियम खाते अपने अंशों को वापस खरीदती है तो ऐसे अंशों का अंकित मूल्य फेस वैल्यू के बराबर राशि स्वतंत्र संचय खाते को हस्तांतरित कर दी जाती है। मतलब वापस किससे खरीदती है, ये जनरल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से खरीदती है। अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर जनरल रिजर्व से अगर मान लो पुनः खरीद करती है कोई शेयर, पुनः खरीद किससे करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व से करती है या आप कह सकते हो सरप्लस से करती है, तो सारा का सारा मतलब के पूरा का पूरा जो फेस वैल्यू है शेयर कैपिटल का, फेस वैल्यू मतलब अंकित मूल्य, जैसे एक शेयर 10 रुपए का है तो पूरे पूरे शेयर मूल्य पर कंप्लीट होता है अंकित मूल्य, मतलब प्रीमियम नहीं अंकित मूल्य, शेयर कैपिटल का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के बराबर क्या आएगा आपके सीआरआर आएगा। जैसे अगर आपने कोई शेयर खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से खरीदे हैं, तो जैसे कहते हैं शोधन प्रीमियम से कैपिटल करते हैं शोधन, तो वहां क्या करते हैं आधा तो लेते थे हम सीआरआर से, मतलब जनरल से लेते हैं, आधा कहां से लेते थे हम, इक्विटी शेयर को इश्यू करके लेते थे। इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट कहा जाएगा आपके सीआरआर से। अगर आपने अंश सिक्योरिटी प्रीमियम या जनरल रिजर्व से खरीदे हैं तो जैसे करते थे एंट्री करते थे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, फिर प्रीमियम और फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर, ऐसे एंट्री करते थे। अब ये वाली पूंजी की व्यवस्था कहां से करते थे हम, इक्विटी शेयर से भी करते थे और कैपिटल और जनरल रिजर्व से भी करते थे। लेकिन अगर आपने ये जो शेयर है आपने खरीद रखे पहले, ऑलरेडी आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से खरीदे हैं तो पूरी की पूरी राशि कंप्लीट आप कहां से लेंगे, क्या नाम है, जनरल से लोगे, पीएनएल से लोगे या आप सिक्योरिटी प्रीमियम से लोगे, टू सीआरआर पूरी की पूरी जैसे सीआरआर में जाए कंप्लीट। अगर आपने पहले जो खरीदे थे वो आपने इससे खरीदे थे, वापस आप इश्यू करोगे तो वापस आप अगर शोधन करोगे तो शोधन में आपको पूरा पूरा कहां से जाएगा, आपके पूरा पूरा कंप्लीट सीआरआर से लेना पड़ेगा। गुणसूत्र 2 में है कि पूंजी स्वतंत्र संचय खाते का उपयोग अपने अधिकतम अनिर्गमित अंशों को अपने सदस्यों पूर्ण बोनस अंशों में निर्गमन के लिए भी कर सकती है, बोनस अंशों के निर्गमन में कर सकती है। अगर आपको बोनस अंश का निर्गमन करना है, बोनस शेयर का इश्यू करना है, इश्यू में सीआरआर का प्रयोग कर सकते हो आप, वहां भी कर सकते हो और यहाँ भी कर, कहाँ का प्रयोग होता है वहां कर सकते हो। फिर है आपके वापसी खरीद को निषेध, यानी कि आपके क्यों नहीं कर सकते, कारण क्या है, आप कहाँ खरीद सकते हो कहाँ नहीं खरीद सकते हो। परिचित देर की सेक्शन आपके 70 इसमें दे रखा है, एक कंपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने अंशों को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की वापसी खरीद नहीं करेगी। कब नहीं करेगी, किसी सहायक कंपनी के माध्यम से, मतलब खुद मेन कंपनी कर सकती है, अपनी सहायक कंपनी से नहीं खरीद सकती। एक तो है अपनी सहायक कंपनी से नहीं खरीद सकती, द्वारा क्रय नहीं, मतलब कंपनी होती है हर एक कंपनी के सारी कंपनी में होती है, जैसे नहीं मैं नहीं खरीद पा रहा हूं तो सारी कंपनी खरीद लो तो वो आपके वैलिड नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। मतलब अपनी स्वयं की सहायक कंपनी भी सम्मिलित होगी, किसी भी सहायक कंपनी से ना खरीद सकते हो, ना खुद की सहायक कंपनी से नहीं खरीद सकते, ना दूसरों की सहायक कंपनी से खरीद सकते हो। किसी विनियोग कंपनी या विनियोग कंपनियों के समूह के माध्यम से नहीं खरीद सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी से भी नहीं खरीद सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी है वहां से भी आप क्रय नहीं कर सकते। और तीसरा है आपके इसमें दे रखा है, यदि कंपनी किसी निक्षेप या उस पर दिए ब्याज पूर्ण भुगतान में, ऋण पत्रों या अंतिम अंशों के शोधन में या किसी लाभांश के भुगतान में या बैंक व्यवस्था में दे सावधि ऋण और उस पर दे ब्याज के भुगतान में दोष जारी है तो भी नहीं खरीद सकते। आप ऐसी कंपनी से भी नहीं खरीद सकते जिसने मान लोन ले रखा है, डिबेंचर गिरी रख रखे हैं, तो अगर मान लो वो कंपनी जब तक ऋणों का भुगतान नहीं करती है, उसके किसी भी प्रकार का किसी कंपनी पर दोष हो, यानी कि दोषयुक्त कंपनी, दोषयुक्त कंपनी से भी आप क्रय नहीं कर सकते। अब मान लो कोई कंपनी है जिसने लोन ले रखा है, लोन के लिए डिबेंचर गिरवी रखे हैं, और उसने अगर मान लो डिबेंचर का पैसा या उसने लोन का नहीं चुकाया है या उसने डिबेंचर की वापस नहीं लिए है और उसके ऊपर दोष है गवर्नमेंट का कि आपने अभी तक लोन नहीं चुकाया है, उस पर किसी प्रकार का कानून का कोई भी केस चल रहा है, दोषयुक्त कंपनी है, तो उससे भी आप वापस नहीं खरीद सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखना, या तो आप दोषयुक्त है तो नहीं खरीद सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी तो नहीं खरीद सकते, सारी कंपनी है तो भी नहीं खरीद सकते। और यदि किसी कंपनी ने अधिनियम 92, 123, 127, 129 धाराओं का पालन नहीं किया, मतलब धाराओं की पालना नहीं की है, या तो बताया है कि कौन सी कंपनी नहीं खरीद सकती, तो या बताया है कि जिन धाराओं का आपने पालन नहीं किया है, कौन सी धारा है, 92 नंबर है, 123 है, 127 है, 129, इन धाराओं का आपने प्रयोग नहीं किया है या इसका पालन नहीं किया है, तो आप ये शेयर का वापस पुनः खरीद नहीं कर पाओगे।